नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईएनएन भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत समाज बीजेपी के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। जी हाँ, वही राजपूत समाज जिसे बीजेपी का हार्डकोर वोट बैंक माना जाता है, वो अब लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट ना देने की कसम भी खाई है। अब राजपूतों के द्वारा बीजेपी के इस बहिष्कार के पीछे का कारण क्या है, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में राजपूत और क्षत्रिय समाज के द्वारा बीजेपी का बहिष्कार करने के पीछे का कारण है बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान। दरअसल 22 मार्च को अनुसूचित जाति के सम्मेलन में रूपाला ने कहा था कि राजपूत समाज ने मुगलों से मैत्री कर ली और उनके साथ रोटी बेटी का संबंध बना लिया, लेकिन अनुसूचित जाति कभी भी झुका नहीं और संघर्ष किया। हालांकि रूपाला ने अपने इस बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी उनके इस बयान पर पूरा क्षत्रिय समाज भड़क गया है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट में तो राजपूत समाज ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं करने का सामूहिक संकल्प भी लिया है। इतना ही नहीं, समाज के प्रतिनिधि अलग अलग गांवों में जाकर राजपूत समाज के परिवारों को भाजपा को वोट नहीं देने की शपथ भी दिला रहे हैं, जिनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। ये विरोध सिर्फ जालौर और सिरोही में ही नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इसका असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। रविवार को राजकोट के रतनपुर में क्षत्रियों के अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें गुजरात के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। इन सभी लोगों की एक ही मांग थी कि बीजेपी पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट वापस ले, वरना पूरा क्षत्रिय समाज इस बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। सोशल मीडिया पर भी राजपूत समाज का ये विरोध खुलेआम देखने को मिल रहा है। कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया साइट एक्स पर हैशटैग राजपूत विरोधी मोदी ट्रेंड कर रहा है। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजपूत समाज का ये विरोध बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। श्री राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश सचिव जसवंत सिंह बांदिकवी का कहना है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। अगर भाजपा पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटेगी तो ये विरोध नहीं रुकेगा, हर जगह भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा। जसवंत सिंह ने बीजेपी को चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि आनंद पाल प्रकरण के दौरान श्री राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को 45 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस समय राजपूत समाज ने नारा दिया था कि कमल का फूल हमारी भूल, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था। एक बार फिर भाजपा ने वही गलती दोहराते हुए कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को नजरबंद किया है। अब बीजेपी इसके परिणाम भुगतने को तैयार है। मोदी बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन इस बार हम कर देंगे उनको पार्लियामेंट से बाहर। अब देखना यह है कि राजपूत समाज का यह आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितना भारी पड़ता है, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं राजपूत समाज बीजेपी के इस लक्ष्य के बीच रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। अब राजपूत समाज के इस विरोध का अंत बीजेपी कैसे करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वीडियो पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।